नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक कमेंट पर्सन आया था उसका जवाब देना मैं पहले चाहूँगा कि एक कमेंट आया था प्री गुजर का कि सर मैंने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर तो सही लिखे हैं, मोबाइल नंबर सही है लेकिन ईमेल आईडी गलत लिख गई है, तो इसका कोई नुकसान हो सकता है क्या? तो पहली बात आप समझिए, ईमेल आईडी से आपको नुकसान थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना मिलेगी या किसी भी प्रकार की सूचना आपको मिलेगी कि आप कौन सी कहाँ होगी, तो मोबाइल नंबर SMS एक आएगा और एक ईमेल आईडी पर आएगा। अगर आपके बाई चांस मोबाइल नंबर उस समय बंद हो या किसी कारणवश मैसेज नहीं आ पाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है ईमेल आईडी का, तो इसलिए ईमेल आईडी सही होनी चाहिए थी, वरना ऐसी कोई जरूरी इशू नहीं, उससे मोबाइल नंबर से आपको आ जाएगा। वरना आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिए, कॉन्टैक्ट में उनके साथ रहिए, संपर्क में रहिए, तो कोई भी जानकारी जैसे डीवी हो, कोई भी समस्या हो तब आपको बता देंगे, तो ज़्यादा से लोड नहीं होगा। बाकी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब इम्प्लॉय आईडी वगैरह जब वो बनाएंगे तब आपसे ईमेल आईडी एक बार दोबारा मांगी जाएगी, तो उसमें आप सही ईमेल आईडी दे देना है ना। बस आप ध्यान रखना अपने दोस्तों से आप कॉन्टैक्ट में रहना कि कोई भी रीट से संबंधित कोई चीज़ हो रही है प्रति परीक्षा से संबंधित तब आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मोटिवेशनल वीडियो डालिए। देखिए, अभी का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है क्योंकि सेकंड ग्रेड के पेपर आउट हुए थे, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। न्यूज पेपर्स वगैरह आप सभी देख रहे हो, आप सभी को पता है, तो आपको अपना माइंड फ्रेश कैसे करना, आपको इन चीज़ों से दूर रहना। आपके कुछ साथी आपको कहेंगे, मैं नॉर्मल बात करूंगा, कुछ साथी आपको कहेंगे कि रीट का पेपर भी आउट होगा, कहेंगे आपको बहुत सारे कहेंगे पेपर बिक जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना, ध्यान में बिल्कुल नहीं रहना, आपको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना है कि मुझे थर्ड ग्रेड एग्जाम पार करना है। कोई कहता पेपर आउट होगा, हाँ होने दो, मैं 5 नंबर ज़्यादा लाऊंगा सिलेक्शन लूंगा, बस इस प्रकार की आपको में पेशेंस होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि 5 नंबर ज़्यादा लूंगा, 10 नंबर ज़्यादा लूंगा, कितना हो जाएगा आउट, ऐसा होना चाहिए। आप नेगेटिव थॉट लेके चलोगे पेपर आउट होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपने अगर नाम सुना मोहम्मद अली जब भी जाते थे बॉक्सिंग में तो हमेशा कहते आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो इसी स्पिरिट थी। कभी मोहम्मद अली ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कमजोर हूँ, मुझे सब हरा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मोहम्मद अली ने कभी भी अपने मन में नहीं सोचा। मोहम्मद अली बॉक्सर हुए बहुत महान, तो उन्होंने हमेशा कहा आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट। तो इस प्रकार आपको हमेशा जब आप तैयारी करो तब आपको ऐसा सोचना कि मैं कर लूंगा, जब आप एग्जाम देने जाओ तब आप में ऐसा जुनून, ऐसी स्प्रिट होनी चाहिए कि मेरे के अलावा कोई इससे नहीं कर सकता, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। हमेशा खुद सेल्फ मोटिवेट आप रहा करो, बाकी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बाकी रिविजन आपको करना है, अगला लास्ट 20 दिन आप इसको और पढ़ लो, बाकी फरवरी में केवल आपको रिविजन ही करना, केवल रिविजन करना, कुछ भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती हो, कोई भी योजना वगैरह लगती हो, आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती हो उसको कागज पर चिपका के दीवार पर चिपका दो, कागज पर लिख के दीवार पर चिपका दो, इस बात को आप ध्यान रखें। बार बार खाना बनाते समय, कभी भी डिस्कशन करते समय चीज़ को आप देखते रहिए, आएगा समझ में, क्योंकि उससे आपके माइंड में बार बार वो चीज़ रिकॉल होती रहेगी। तो आपको ये तरीका आपको अपनाना, और क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में वैसे नहीं आई है, लेकिन क्वेश्चन बैंक 5-10 दिन में आ जाएगी, तो क्वेश्चन बैंक लाते आपको सोल्व करना भी आपको शुरू कर देना। कौंसिलानी, मुम्मल राव, राय, दक्ष, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो क्वेश्चन बैंक ला सकते हो। बाकी अगर 1-2 मित्र आपके अच्छे हों तो आप उनसे क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हो फ्री टाइम के अंदर। बाकी 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़े, बाकी गाने सुन के आराम से मूड फ्रेश आप कर सकते हो। कोई अच्छी चीज़ें देखिए, नेगेटिविटी आपको नहीं देखनी, नेगेटिव चीज़ आप बिल्कुल दूर है ना। अगर आप नेगेटिव देखोगे तब आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी ही घूमेगी। मैं आज भी हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचता हूँ, पॉजिटिव चीज़ ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव में चीज़ निकाल लेता हूँ। तो आप भी इससे कीजिए, हर चीज़ आप पॉजिटिविटी निकालिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाई कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना, भाई क्लासेज भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, धन्यवाद।